देखो आप देख रहे हैं मिस्टर मोसोपी, आज हम हल्की हल्की बारिश हो रही है तो जिसकी वजह से वीडियो आज छोटी बनेगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने कबूतर दिखा देता हूँ। देखिए जिस किस तरह अच्छा मौसम बना हुआ, बदल बने हुए हैं। तो बाकी कबूतर के बारे में है तो ये कबूतर की फीमेल इंशाल्लाह एक दो दिनों में आ जाएगी। बाकी मेरा घर का कबूतर है, बाकी ये दोनों जोड़े और वो गिफ्ट आया हुआ, वो दो आए थे और एक उड़ गया। तो बाकी हम बड़े पौधों के पास जाते हैं, ये मैंने नया पौधा लगाया है, स्नैक प्लांट कहते हैं। इंशाल्लाह ये अनकरीब ग्रो करने शुरू हो जाएगा। देखते देखते ये देखना पूरे गमले में फुल हो जाएंगे। तो अभी ये कलम लगाई हुई है मैंने, इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे तो अनकरीब ये उगने शुरू हो जाएंगे। अंजीर के पास चलते हैं। चलें अब अंजीर के अलावा में अंजीर काफ़ी ना कबूतर चढ़ के ना तो चढ़ते तो अंजीर गिर जाती है, फिर भी कुछ चार पांच पीस लगे हैं तो अनकरीब ये भी खाने के लायक हो जाएगी। तो बाकी हम अब नीचे अपने मुर्गों को दिखाते हैं, इन्होंने छापा डाला हुआ कि बारिश पड़ी थी। बाकी ये देख लें कि ये मेरा सील मुर्गा काफ़ी बीमार था पिछले दिनों, आप सबकी दुआओं से देखें अब सेहतमंद हो गया। बाकी डब है और फिंच है, इंशाल्लाह ये भी कुछ चंद दिनों में अंडे देने शुरू हो जाएंगे, उन्होंने नेस्टिंग कर ली है। तो डब के पहले अंडे तो दिए थे, अनफर्टिलाइज थे जिसे वो बच्चे नहीं बने। बाकी हम इंशाल्लाह आप दुआ करें कि उनके भी जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा हुए। ये देखिए बाकी हम नीचे चलते हैं अपने तोतों और कबूतरों को देखने के लिए। ये देखिए अभी लेके जाएगा अंदर। बाकी ये देखें तोती अंदर गई हुई है, ये भी अनकरीब अंडे देने शुरू हो जाएंगे। पिछले दिन अंडे इनके भी ख़राब निकले हैं, शायद मौसम की वजह से कोई बच्चा नहीं बन रहा। बाकी मैं दाना पानी डाला हुआ है। तो बाकी ये एक दो चार बच्चे मेरे घर के हैं, ये देखिए चारों बैठे हैं, इनको भी मैं थोड़ी देर तक बाहर निकालता हूँ। उससे पहले हम अपने अंडे और बच्चे देख लें कबूतर के। सबसे पहले हम नीचे चलते हैं, इसके नीचे मैं तीन अंडे रखे थे माशाल्लाह, अभी बच्चे नहीं बने, कोई अभी हफ्ता डेढ़ पड़ा हुआ है। बाकी ये दो बच्चे हैं ठाक है माशाल्लाह, कितनी सेहतमंद है और खाए पिए हैं, ये इसके बाप है ये। बाकी दो बच्चे इसके पीछे हैं, ये दो बच्चे हैं, देखिए माशाल्लाह ये भी हफ्ते तक बाहर आ जाएंगे। तो उसके अलावा ये इसके नीचे भी तीन अंडे रखे हैं माशाल्लाह। बाकी हम अपने बच्चों को बाहर निकालते हैं, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें किस तरह पिछड़ उठाई हुई है अपनी। बाकी है हमारे सील चूजे, उनको खाना डालने, देखिए किस तरह खा रहे हैं। एक बच्चा फंसा हुआ उसको निकाल लूँ, भाग गया। चलें ये मेरी छोटी सी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।